ये लीजिए। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि कुछ सेकेंड्स के लिए इनकी सांसें रुक गई थी। बट ऐसा होता है कभी कभी। बट घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आस्था भी इन्हें फॉलो कीजिएगा एंड शी विल बी फाइन। इन्हें 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 होश कब आएगा डॉक्टर? बस थोड़ी देर में आ जाएगा। कुछ अगर लगे तो मुझे आप फोन कीजिएगा। थैंक यू। देखिए आपकी छोटी बहन आई है यार, आपकी चुपकी रुलाई तो ऐसे छूट रही है जैसे मर गई है। गुड्डन ठीक हो जाएगी, उसे जल्दी होश आएगा। डॉक्टर ने कहा ना अभी, कुछ नहीं होगा गुड्डन को, कुछ कुछ नहीं होगा। फिजिकल चोट का इलाज हो सकता है, लेकिन जो इमोशनल चोट आपने दी को पहुंचाया उसका क्या? मम्मी पापा सबने मना किया था दी को यहाँ आने से, लेकिन फिर भी दी आई। जानते हैं क्यों? सिर्फ आपकी वजह से, आपकी नशे की लत छुड़वाने के लिए वो आई थी। और बदले में आपने क्या किया? ये पापा बिल्कुल सही कहते हैं आपके बारे में, आप एक मतलबी नहायत ही घटिया इंसान है। और आपने ये सब क्यों किया? एक शराब की बोतल के लिए? हाँ, आपने दी को धक्का दिया? मतलब थोड़ी सी भी शर्म है आपको? थोड़ी सी भी? पूरी दुनिया से लड़ने वाली दी को आज आपने आपने देखिए कितना कमजोर बना दिया। रेवती, लिसन टू मी मिस्टर अक्षत जिंदल, अगर मेरी दी को कुछ भी होना, लाइक कुछ भी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं छोड़ूंगी, पहले बाप अब बेटी। तुम लोग क्या पीछे पड़े हुए हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये करने की? तुम्हारी तुम गलती मेरी है। तुम्हारा गुस्सा चाहे शरीफ थी, लेकिन इस वक्त हमारे लिए बस इतना जरूरी है कि गुड्डन को जल्द से जल्द होश आ जाए, उसके बाद तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। बट विश्वास करो मेरा, मैं गुड्डन को चोट कभी नहीं पहुंचाना चाहता था। रेवती संभालो खुद को, अगर तुम ही कमजोर पड़ जाओगी तो इन्हें कौन संभालेगा? हाँ, और रेवती अभी डॉक्टर भी तो कह के गए ना कि गुड्डन सासू माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कुछ ही देर में होश भी आ जाएगा उन्हें। ये सच है रेवती, मेरा लल्ला जिद्दी बहुत है, गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। पर बेटा ये भी सच है कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ गुड्डन ही रहती है। उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर, ऐसा वो कभी सोच भी नहीं सकता। बेटी मैं जानती हूँ दादी, लेकिन देखिए ऐसी हालत देखे। असल में ये फसाद की जड़ तो सिर्फ शराब है, शराब। अगर ये नहीं होती ना तो हमारी गुड्डन की ये हालत कभी नहीं होती। ये शराब यहां किसने रखी? मैंने। मैं जानती हूँ कि गुड्डन ने ये सब खाली करवा दिया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं स्टॉक को वापस यू नो पूरा कर दिया जाए। आई नो कि सिचुएशन बहुत ही टेंस है और रेवती ने इतने बदतमीजी से तुमसे बात की है, यू नो ऑल ऑफ दैट। मैं तो जानती हूँ ना कि मेरे अक्षत को सबसे ज़्यादा खुश क्या कर सकता है, इसीलिए ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली किया है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? और ऐसे पैदल की तरह चिपके रहेंगे जब तक कि अभी
शराब पीना नहीं था। अच्छा तूने इस बोतल के साथ ही वो प्लीज हम फेंक दे। शराब की वजह से आज गुड्डन की जान जा सकती थी वो शराब पीऊंगा मैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जिस शराब की वजह से आज गुड्डन की ये हालत हुई है ना, उस शराब की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं, समझी तुम? कोई जगह नहीं उस शराब की मेरी जिंदगी में। हम जानते हैं कि आप हमें अपनी लाइफ में नहीं चाहते और हम भी यही चाहते हैं, लेकिन आपकी जो बुरी आदत है ना, ये हमें यहाँ से जाने नहीं दे रही। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे क्या हुआ? नहीं है, बहुत दूर डरे से हमें ऐसे लग रहे। अच्छा, डर गए थे ना, दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था क्या? ऐसा कुछ नहीं। ओके, आंखों के सामने अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है ना, तो इंसान का दिल घबरा जाता है। फालतू के सवाल मत करो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। फालतू के? ठीक है, तो बिना फालतू के कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल तो क्या? बॉटल ठीक है या फिर ग्लूकोज ग्लूकोज चढ़वा के दूसरे कमरे में रखा है रेस्ट कराने के लिए? मैंने शराब पीनी छोड़ दी, अब कभी नहीं पीऊंगा। अरे बाप रे। ए, एक मिनट, आराम से, रुको रुको। अगर हमें पता होता कि आपकी ये पूरी लत छुड़वाने का इतना आसान से उपाय है, हम तो कब के एक दो हड्डियां तोड़वा चुके। सोचा था कि सर पे झटका लगने से शायद तुम्हारी अक्कल आ गई होगी, नहीं, तुम्हारी बकवास तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। इसे कोई बोलता है क्या पागल? चलिए इस छल्ली बेअक्कल सी गुट्टन से ना जल्दी छुटकारा मिलने वाला है आपको। मतलब कि काम हो गया ना हमारा, तो चले जाएंगे। तुम्हारी फिल्म चल रही है ना यार, उसका क्या? हाँ, उसका कल लास्ट डे है, फिर चले जाएंगे। क्या हम
हमने तो सोचा था कि ये न्यूज़ सुन के बहुत खुश हो जाएंगे, हम उसे उछल पड़ेंगे। इतने सैड से क्या हो गया? मैं सैड नहीं हूँ, खुश हूँ, ठीक है? अच्छा है, तुम जाओगी तो पीछा छूटेगा ना मेरा भी। हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती तो मुझे भी 4 साल पहले की बातें याद आती रहती। तुम जाओगी तो मेरी भी छुट्टी, तुमसे भी, तुम्हारी यादों से भी। जाओ तुम। हम क्या कह रहे थे ना, मतलब शराब से तो छुट्टी मिल गई, तो क्यों ना ये अपनी नफरत और गुस्से से भी छुट्टी ले ले, मतलब अच्छा लगेगा आपको। आदमी सारे ऐप छोड़ देगा तो जी की क्या करेगा? 4 साल पहले तुमने जो किया, रहने दो। मेरी नफरत ठीक है, अच्छी है, जिंदा हुई इस बात का बार बार एहसास दिलाती है मुझे। मुझे उसके साथ ही रहने दो, मैं जाना है, तुम जाओ। पानी रखा है? अभी मेरे लल्ला की बुरी आदत छूटने की खुशी समाई भी नहीं, अब गुटन के जाने का गम मुझे सता रहा है। ये कैसी लीला है तेरी कहना? मेरे घर में इतने सारे बदलाव सिर्फ गुड्डन की वजह से आए हैं। काना, मेरी गुड्डन को हमसे दूर मत जाने देना, रोक लेना उसे। दादी, गुड्डन सासू माँ कहीं दूर नहीं जाएंगी, हम रोकेंगे उन्हें। अरे, इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाओगी तुम? अब क्या है ना दादी, हम गुड्डन सासू माँ की बहुएं हैं, अब उन्हें रोकने के लिए उनके पैतरे ही आजमाएंगे हम, है ना? बिल्कुल सही। वो तो ठीक है, पर तुम लोग करोगी क्या? दादी, आप आम खाइए ना, गुटखा क्यों गिन रही हैं? आप बस ये समझिए कि आपका काम हो जाएगा। दीजिए ताली। ये सेटअप तो फिल्मी है, लाइट स्टैंड्स भी मेरे हैं। अरे, ये क्या हो रहा है भाई? अरे, मैं डायरेक्टर हूँ, सीन शूट करना तो मेरा काम है, आप तो मेरी शॉट ले रहे हैं। डायरेक्टर होगा तो अपने घर में, अभी तुझे हमारी डायरेक्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, समझा? पर मेरी गलती क्या है? अरे चुप, मैं बताती हूँ। आपकी गलती सिर्फ इतनी सी है भाई साहब कि आप गलत टाइम पर गलत जगह फंस गए, और क्या है ना कि मामला थोड़ा गंभीर है, और अगर मामला जरा सा भी बिगड़ा ना तो तुम्हारा ये खूबसूरत सा जो चेहरा है ना, उसे मैं बिगाड़ दूंगी, समझो? डरिए मत। जितनी डरावनी है दिखती, दुर्गति बोलना पड़ेगा ना। हाँ, जितनी डरावनी है दिखती उतनी है नहीं, मन की बहुत साफ है, जैसे ये कहती है बिल्कुल वैसा कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, समझ रहे ना आप मेरी बात? गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है मेरे साथ। अरे, रैम करो, मुझे जाने दो। अरे, आप भी। कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तुम्हें, तुम्हारी बदौलत कितना नेक काम होने जा रहा है, लड्डू खा। अरे, कैसे खाएंगे, इनके हाथ तो हमने बांध के रखे। कोई बात, ये नेक काम ना मैं खुद कर देती हूँ। खा, हाँ। खाओ लड्डू, खाओ 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 खाओ। एक और मिलेगा। क्या, हॉकी? नहीं नहीं, लड्डू। वो स्ट्रेस में शुगर थोड़ी डाउन हो जाती है। तबीयत खराब है इनकी। खाइए खाइए भाई, जितने खाना है उतने खाइए, खाइए खाइए खाइए। ऐसा क्या हो गया? मम्मी की याद आ गई। वो भी लड्डू बहुत अच्छा बनाती थी।
नहीं नहीं रो मत, और खा बेटा और खा। नहीं नहीं, थैंक यू माता जी। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो हाथ जोड़ के आपसे आशीर्वाद लेता। हुकुम कीजिए, क्या काम है? बस एक छोटा सा काम है, कल जो शूट करने वाले हो ना उसमें एक नया मोड लाना है, बस और कुछ नहीं। नया मोड? एक छोटा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट? मेरी फिल्मों में तो ट्विस्ट होता ही है। क्या हो गया? बस इतनी सी बात, हो जाएगा हो जाएगा। जो मिला तक नहीं सकते नजर, आखिर क्यों बने हैं हम सफर। MDH दंतमंजन प्रेजेंट्स कुर्बान हुआ, पावर्ड बाय सुहाना मसाले, आज से रात 10 बजे। चुटकी, ये बैग गाड़ी में रखवा दे, सीन खत्म करके हम जल्दी से निकलेंगे। आज क्लाइमेक्स है गुड्डन, समझी? सो बेसिकली ये फ्लैशबैक सीन है, हीरोइन फुल इमोशंस और इंटेंसिटी के साथ अपने एक्स हस्बैंड के पास जाती है और वो जो वैम्प उसकी वाइफ है उसके अगेंस्ट सबूत थमाती है। हीरो शॉक्ड। बॉस बॉस बॉस, मिस गुड्डन के एक्स हस्बैंड के रोल में जिसकी कास्टिंग की थी उसे लूज मोशन हो गया। क्या लूज मोशन हो गए? बोल रहा है उससे ना हो पाएगा। यार पाठक ऐसे लूज कैरेक्टर वाली कास्टिंग क्यों करते हैं? अब मैं क्या करूं? हैं? तू करेगा पति का रोल? What nonsense! आज शूटिंग का लास्ट डे, उसमें भी झोल। शूट आज ही होगा, समझा? मेरी पिक्चर आज तक न लेट हुई थी, न लेट होगी। तू देख पाठक, अभी के अभी मैं लाऊंगा नया एक्टर। ओए डायरेक्टर, क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग शांति से काम नहीं कर सकते क्या? तमीज से काम होता है तो करो, वरना उठाओ अपना ये शूटिंग का कचरा और निकलो बाहर। मां कर बरकत सुबह सुबह। अरे मिल गया मुझे मेरा सलमान, मेरा हीरो। हाय मेरे हीरे, मेरे आंखों के सामने हमेशा था पर स्ट्राइक कैसे नहीं हुआ? जब हुए हो तो गणपति बाप्पा मोरिया, आग लगा दूंगा स्क्रीन पे। तू बनेगा मेरा हीरो। मैं तेरा हीरो? बकवास बंद कर अपनी, दिमाग खराब है क्या? अरे दिमाग तो ऑडियंस का खराब हो जाएगा जब वो तुम्हें देखेंगे। मेरी पिक्चर का सरप्राइज, एक खड़ूस एंग्री दिखने वाला दर्द से भरा हुआ एक्सपति, तुम ही हो। देख अपनी ये शूटिंग का जो तमाशा बचा है ना इसको खत्म कर और ये शूटिंग का कचरा उठा, घर से बाहर निकल। देखो भाई तमाशा तो तब खत्म होगा जब मेरी शूटिंग चालू होगी। जब तक मुझे मेरा हीरो नहीं मिलेगा ना मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। कर लो भाई कर लो, मेरा भी नुकसान होने से बच जाएगा, तेरा घर भी तुझे खाली मिल जाएगा। यार उसकी टेंशन नहीं है मुझे, अपना घर खाली कराना मुझे बहुत अच्छे से आता है, समझ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इंसानियत के नाते कर ले, मेरा प्रोड्यूसर मेरी जान ले लेगा अगर शेड्यूल टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो। ये फालतू की स्टूपिड चीजों में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, समझे ना? तुम्हारी एक्टिंग जैसे फालतू बकवास काम मुझे नहीं करने, कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज लीव गेट आउट। एक मिनट, आपको काम नहीं करना ना तो मत कीजिए, लेकिन इस तरीके से सब लोगों के सामने ना हमारे काम की बेइज्जती मत कीजिए। एक बात और बहुत अच्छे से आपको बता दें कि ये ना सबके बस की बात नहीं और आपसे तो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे करना भी नहीं। हाँ तो आपसे होगा भी नहीं। चैलेंज क्यों कर रही है? अरे चैलेंज उसको दे देते जिसमें कुछ गुंजाइश हो। ठीक है लल्ला, करने दो इनको इनका काम, तू चल यहाँ से, चल जा। सुन लिया ना माँ जी ने जो कहा? अब मैंने माँ जी की बात सुनी और यहाँ से जाइए, रिलैक्स कीजिए, क्यों जबरदस्ती अपनी खिल्ली उड़वाना चाहते हैं? एक मिनट, क्या 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 तुमने? खिल्ली खिल्ली, ओवर एक्टिंग की दुकान, तुमसे बेहतर एक्टिंग करके दिखा सकता हूँ मैं, समझी ना? क्या ना ये एक प्रॉब्लम होती है हर नॉन एक्टर की, उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा एक्टर है, आप जोश जोश में कहते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लीज जाइए और रिलैक्स कीजिए। कहाँ है? ओ डायरेक्टर, यहाँ ये
जो करना है करो, जहां कैमरा लगाना लगाओ। आज मैं तेरा हीरो बनके दिखाऊंगा और इस हीरोइन से बेहतर एक्टिंग करके दिखाऊंगा। लगा अपना शॉट, चल चल दो, क्या पर्दा कहां से स्क्रिप्ट दो। दादी दुर्गा दे, आधा प्लान तो काम कर गया, बस भगवान करे कि पूरा भी काम कर जाए। जैसा सोचा था ना वैसा ही होगा, भरोसा रखो।